अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है वो मुनूर की तरफ से आ रही है। दोस्तों मुनूर की तरफ से कतर में अनाउंसमेंट किया गया कि जितने भी वहाँ पे मुनूर दोस्तों होता है ट्रैफिक डिपार्टमेंट, यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, अरबी में दोस्तों मुनूर को ट्रैफिक डिपार्टमेंट कहा जाता है। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि जितने भी वहाँ पे ट्रक ड्राइवर हैं उनके लिए वहाँ पे गाड़ियों चलाने पर दोस्तों पाबंदी लगाई गई है। तो दोस्तों ये पाबंदी किस प्रकार की है मैं आपको बता देता हूँ। तो यदि आप ट्रक ड्राइवर हैं, यदि आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो आपको 6 बजे सुबह से लेकर 8:30 बजे तक आपको ट्रक वगैरह जो है वो नहीं चलानी है। उसके बाद 8:30 बजे से बाद आप चला सकते हो। फिर 12 बजे से 3 बजे तक आपको ट्रक नहीं चलाना है और फिर 5 बजे से लेकर 10 बजे रात तक आपको ट्रक चलाने की अनुमति नहीं है। इसके बीच में ये इसके बाद में गाड़ी को चला सकते हैं। अब दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि इस वक्त स्कूल के बच्चों का टाइमिंग होता है, कॉलेज के बच्चों का टाइमिंग होता है, ऑफिस का टाइम होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो लग जाता है, ट्रैफिक ज़्यादा जाम हो जाता है। इसी वजह से वहाँ पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से ये फैसला लिया गया है। तो दोस्तों यदि आप ट्रक ड्राइवर हैं तो आप इसके बीच में आपको नहीं चलाना है। यदि आप चलाते हो, पकड़े जाते हो तो फिर बेकार का आपको फाइन वगैरह जो है वो लग जाएगा। मैंने आपको टाइमिंग बता दी, यदि आपने वीडियो ध्यान से नहीं सुना तो वीडियो को स्किप करके फिर से आप सुन लीजिए। अगली खबर साथियों जो आ रही है दोस्तों वो कतर एयरवेज की तरफ से आ रही है। कतर एयरवेज की तरफ से बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। जी हाँ साथियों, कतर एयरवेज की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि कुवैत और कतर के बीच में रोजाना एक फ्लाइट को और बढ़ाया गया है। यानी आप यदि कुवैत अब ट्रैवल करना चाहते हैं बाई फ्लाइट तो आप ट्रैवल अब कर सकते हो क्योंकि कुवैत और एयरवेज के बीच में दोस्तों एक फ्लाइट को और बढ़ा दी गई है। अब कभी भी टिकट की बुकिंग करके आप कुवैत जो है वो ट्रैवल कर सकते हो या कुवैत से फिर कतर ट्रैवल कर सकते हो। अगली खबर साथियों जो आ रही है दोस्तों वकूत की तरफ से आ रही है। वकूत की तरफ से दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया है कि जितने भी दुखन पेट्रोल पंप जितने भी है दुखन, उन सभी पेट्रोल पंप को दोस्तों मंगल के दिन से वहां पे फ्यूल वहां पे अवेलेबल नहीं होगा मंगलवार के दिन से। यानी दोस्तों वहां पे लगभग कल से ही फ्यूल जो है वो बंद हो गया है कल से ही। और अब दोस्तों ये कब तक बंद रहेगा इसका अगला नोटिस जैसे ही वकूत की तरफ से आता है तो मैं अब तक शेयर जरूर करूंगा। अब दोस्तों इसका बंद करने का रीजन ये है कि वहां पे कुछ मेंटेनेंस का काम है, कुछ काम वगैरह होना है, इसी की वजह से उसे बंद किया गया है। तो यदि आप दोस्तों उस एरिया यदि आप फ्यूल वगैरह भराते थे दुकान से जाके पेट्रोल पंप से जाके तो वहां पे मत भरवा नहीं भरवा पाओगे क्योंकि मंगल को वार से दोस्तों वहां पे बंद कर दिया गया है कुछ मेंटेनेंस की वजह से। अगला नोटिस तक बताया जाएगा कि कब वो खुलेगा। अगली खबर साथियों जो आ रही है दोस्तों वो बल्दिया की तरफ से आ रही है। बल्दिया की तरफ से दोस्तों ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि नवंबर जो स्टार्टिंग हुआ है जब से लेकर अब तक 400 ब्रेडर यानी दोस्तों जो मुर्गियां पालनों का जो काम करता है यानी पोल्ट्री फार्म ब्रेडर्स को लगभग 10 लाख से ज़्यादा मुर्गियों को वहाँ पे वैक्सीनेटेड किया जा चुका है। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा कदम है। धीरे धीरे दोस्तों कतर में क्या हो रहा है कि लोगों को वैक्सीनेटेड तो किया जा रहा है, अब जानवरों को भी वैक्सीनेटेड किया जा रहा है। तो लगभग 400 ब्रेडर पोल्ट्री फार्म में जाके 10 लाख से ज़्यादा मुर्गियों को वहाँ पे वैक्सीनेटेड किया जा चुका है। अगली खबर साथियों जो आ रही है एमओआई की तरफ से आ रही है। एमओआई की तरफ से बताया गया है कि कतरी वर्कर को दोस्तों एक वीडियो आपको देखने को मिला होगा साथियों, आपको यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा और कतर के ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों यदि न्यूज़ वगैरह खोलते तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। एक कतरी शख्स जो है वहां के एक प्रवासी को वर्कर को मारते हुए दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा शेयर हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो आपने जरूर देखा होगा। तो फिलहाल एमओआई की तरफ से ट्वीट करके बताया गया है कि वो कतरी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर वहां पे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों यदि आपके साथ भी कभी ऐसा कोई होता है, कोई आपके साथ जुल्म करता है तो वीडियो जरूर बनाइए और वो भी वीडियो को वायरल जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों वहाँ पे सबको एक निगाह से देखा जाता है और सभी को एक तरह से इज्जत दी जाती है। तो ये कुछ अपडेट थी, कुछ खबरें थी। यदि कोई भी आपके मन में सवाल हो मुझसे कॉमेंट करके पूछना चाहते तो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का सवालों का जवाब देने के लिए। तो मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।